तो गाइस कैसे हो आप लोग, मुझे नहीं पता जैसे भी हो, लेकिन मेरा नाम है लोक और आप देख रहे हैं हेल्पर बॉयज। तो दोस्तों मैं बता दूं, कुछ दिन पहले मैं डाला था इप्सन पीएम 520, ये जो प्रिंटर है उसका आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया था। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि ये इसका बैटरी क्या है और कहाँ लगता है, कहाँ मिलेगा और कैसे इसका यूज है, वो बताने के लिए। तो आज इस वीडियो में आपको इस बैटरी के बारे में बताऊंगा, इसके बैटरी के बारे में एक एक डिटेल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते। सबसे पहले इस प्रिंटर में बैटरी लगता कहाँ, यहाँ पे दो स्लॉट हमें खाली देखने को मिलता है। सबसे पहले तो इसके पीछे में यहाँ पे दिखता है तो सबको लगता है यहाँ बैटरी लगता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सबसे पीछे में जो ये है यहाँ पे बैटरी नहीं लगता, यहाँ पे इसका मेंटेनेंस बॉक्स लगता है जो कि ये बहुत दिन के बाद चेंज होता है। इसका कोई जरूरी नहीं रहता अगर आप इसे चेंज नहीं भी करवाते, लेकिन बैटरी जो लगता है दोस्तों, बैटरी इसके पीछे में यहाँ पे लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नीचे में, यहाँ पे ऐसे इसको हटाऊं, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बैटरी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एंड यहाँ पे ये मैंने खोल दिया, इसके अंदर में बैटरी लगता है। मैं अभी बैटरी नहीं लगाया हूं, लेकिन बैटरी इसका इंपॉर्टेंस ये है कि एक पोर्टेबल जो है प्रिंटर है, इसे आप कहीं भी ले भी जा सकते हैं ऐसे करके, तो उसके लिए आपको ठीक रहेगा। मतलब कि जैसे कि आप कोई शूटिंग प्लेस पे जा रहे हैं या फिर जैसे कोई भी मतलब जा रहे हैं फेस्टिवल में, तो वहां पे आप अगर इसे लेके जाते हैं तो आराम से इसे प्रिंट कर सकते हैं, तो बैटरी इसके लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे पीछे में बैटरी लगता है और बैटरी अगर आप इसे लगा लेते हैं तो आपको इसमें लाइन देने की कोई जरूरत नहीं होगी, बैटरी से ये ऑन हो जाएगा। मतलब कि इसमें जैसे वायर से कनेक्ट करना इसको नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट आप इसमें पेपर लगाइए, प्रिंट हो जाएगा। एंड अगर आपको बैटरी खरीदना है तो गूगल पे जाइए, अमेजोन और पे इसका बैटरी नहीं मिलता है, गूगल पे जाइए और लिखिए इप्सन पीएम 520 बैटरी, तो उसमें परचेज करने का आपको ऑप्शन देगा। इप्सन की अपने साइट पे जाके आप इसका बैटरी परचेज कर सकते हैं एंड यहीं से इजीली आप लगा सकते हैं इसको बैटरी, उसके बाद आप आराम से प्रिंट कर सकते हैं बिना किसी लाइन के, और मतलब बैटरी पे प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करना ना ही भूले। चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।